हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गजाला। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड आर पोयम द नॉटी बॉय। इट्स आर लास्ट यूनिट ऑफ आर इंग्लिश बुक एंड दिस इज अ पोयम अबाउट अ बॉय हु वॉज वेरी नॉटी। ही बिलोंग्स टू इंग्लैंड एंड ही थॉट स्कॉटलैंड इज अ डिफरेंट प्लेस एंड ही वॉन्टेड टू नो अबाउट स्कॉटलैंड एंड What happened there? Let's see. There was a naughty boy, and a naughty boy was he. He ran away to Scotland, the people there to see. Then he found that the ground was as hard, that a yard was as long, that a song was as merry, that a cherry was as red, that lad was as weighty, that four score was as 80, that a door was as wooden as in England. So he stood in his shoes and he wondered. He stood in his shoes and he wondered. It is written by John Keats. So students, as earlier I told you, it is a story about a naughty boy. There was a naughty boy. Ek naughty boy tha. And a naughty boy was he. Aur real mein hi wo bahut zyada naughty tha. Bahut zyada natkhat tha. Shararti tha. He ran away to Scotland. Ek baar kya hota hai? Wo rehne wala to England ka hota hai. Uska native country jo hai wo England hai. Lekin wo wahan se bhaag kar Scotland chala jata hai. The people there to see. वहाँ के लोगों से मिलने के लिए, वहाँ के लोगों को जानने के लिए, द पीपल देयर टू सी, वहाँ के लोगों से मिलने के लिए। देन ही फाउंड, तब वहाँ उसे पता चलता है, वहाँ उसे मिलता है, दैट द ग्राउंड, कि वहाँ का जो ग्राउंड है वॉज एज हार्ड दैट आ यार्ड, वहाँ का ग्राउंड भी क्या है, काफ़ी लंबा है, वहाँ का ज़मीन का जो टुकड़ा है वो काफ़ी लंबा है, वॉज एज लॉन्ग, जैसा कि कहाँ था, इंग्लैंड में था। That a song was as merry, और वहाँ का जो song था वो मन को खुश कर देने वाला था, बहुत merry वाला था, बहुत ज़्यादा merry यानी joyous, वहाँ का जो song था मन को खुश कर देने वाला था, आनंद देने वाला था, जैसा कि इंग्लैंड का था। That a cherry was as red, और वहाँ की जो cherry थी, cherry जो होता है एक पहाड़ी फल होता है, वो भी क्या थी, बहुत ज़्यादा red थी, जैसा कि इंग्लैंड में हुआ करती थी। That lead was as weighty, और वहाँ का जो lead था, वहाँ का जो शीशा था, वो बहुत ज़्यादा भारी था। That four score was as 80, और वहाँ का जो 80 था, वो यहाँ का क्या था, 80 साल पुराना था, वहाँ का 80 साल पुराना था। That our door was as wooden as in England, और वहाँ का जो door था वो भी लकड़ी का बना हुआ था, जैसा कि इंग्लैंड में बना हुआ था। हमारे वहाँ भी जो डोर होते हैं लकड़ी के ही बने होते हैं ना, तो जो स्कॉटलैंड का डोर था वो भी लकड़ी का बना हुआ था, जैसा कि इंग्लैंड का डोर था लकड़ी का बना हुआ। सो ही स्टूड इन हिज शूज़, अब वो क्या करता है, अपने शूज़ पहनकर वो खड़े हो जाता है, वो अपने शूज़ पहनकर खड़ा हो जाता है। एंड ही वंडर्ड, और वो आश्चर्यचकित होकर, और वो वंडर होकर वहाँ पे क्या करता रहता है, उन सब चीज़ों को देखता रहता है, उन सब चीज़ों को देखकर काफ़ी वंडर्ड होता है। ही वंडर्ड, वो आश्चर्यचकित होता है। ही स्टूड इन हिज शूज़, वो अपने शूज़ पहनकर खड़ा होता है। एंड ही वंडर्ड, और वहाँ की चीज़ों को देखकर वंडर्ड करता है, आश्चर्य करता है। इट्स रिटन बाय जॉन किट्स, ही इज़ अ वेरी फेमस पोएट। ओके, नाउ सी इट्स न्यू वर्ड्स, नॉटी, नॉटी मीन्स मिस्चीव, शरारती, फाउंड सेकेंड फॉर्म ऑफ फाइंड, फाउंड यानी पाया, ग्राउंड एंड एनक्लोजर यानी आंगन का टुकड़ा, मेरी यानी जॉयस खुशी, चेरी अ फ्रूट विच हैज़ रेड कलर, वेटी, वेटी यानी हैवीनेस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का जो भारीपन होता है उसे हम वेटी बोलते हैं, वुडन, वुडन यानी मेड ऑफ वुड, जो वुड का बना हो उसे हम वुडन बोलते हैं। नाउ सी इट्स क्वेश्चन आंसर विच यू हैव टू राइट इन योर इंग्लिश नोटबुक। रीडिंग इज फन फॉर
फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर डिड द नॉटी बॉय कम, जो नॉटी बॉय था वो कहाँ से आया था। द नॉटी बॉय केम फ्रॉम इंग्लैंड, जो नॉटी बॉय था वो इंग्लैंड से आया था। वेयर डिड द नॉटी बॉय गो, अब इंग्लैंड का तो वो था लेकिन नॉटी बॉय गया कहाँ। द नॉटी बॉय वेंट टू स्कॉटलैंड, जो नॉटी बॉय था वो स्कॉटलैंड गया। वाई डिड ही गो देयर, वो वहाँ गया क्यों। ही वेंट देयर टू सी इट्स पीपल एंड थिंग्स देयर, ये वहाँ गया वहाँ के लोगों को और वहाँ की चीज़ों को देखने के लिए। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डिड द बॉय वंडर अबाउट, जो वहाँ के वहाँ जो बॉय था व्हाट डिड द बॉय वंडर अबाउट, बॉय वहाँ क्या चीज़ें देखकर वंडर्ड हुआ, क्या चीज़ें देखकर आश्चर्य में पड़ गया। द बॉय वंडर्ड, जो बॉय था वो वंडर्ड था नॉटी बॉय, दैट ऑल द थिंग्स फाउंड इन द स्कॉटलैंड वर ऑल द सेम एज इन इंग्लैंड, की स्कॉटलैंड में जो भी चीज़ें थी वो सारी की सारी क्या थी, इंग्लैंड की तरह ही दिखती थी। अब विच कंट्री डज योर क्लाउन बिलोंग टू, नाउ कंप्लीट द टेबल बिलो, इसे आप नोटबुक में ही कर लेना। जैसे नेशन है नेशनैलिटी, इंडिया इंडियन, स्कॉटलैंड स्कॉटिश, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियन, फ्रांस फ्रेंच, जापान जापानीज। सो स्टूडेंट्स, इट वॉज योर पोएम एंड इट्स क्वेश्चन आंसर, डू इन योर नोटबुक, राइट दिस पोएम इन योर नोटबुक, देन राइट इट्स वर्ड मीनिंग, देन क्वेश्चन आंसर, एंड डू योर वर्क वेरी सिस्टमेटिकली।